दोस्तों आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं और अहमद भाई आज जा रहा हूँ गैस सिलेंडर भरने। यहाँ सऊदी अरब में कितना सस्ता है आप सभी को बताऊँगा, आप लोग बने रहे। जमीन आसमान की फ़र्क है। इंडिया और सऊदी अरब का जो गैस सिलेंडर का प्राइस है वो बहुत फ़र्क है। क्यों ऐसा फ़र्क होता है समझ में नहीं आता है दोस्तों। अभी फ़िलहाल सिलेंडर काउंटर के पास आया हूँ। यहाँ कैसे इतना आसान तरीका से आप सभी को दिखाने वाला हूँ प्राइस कितना है और कभी गैस ठंडे के मौसम में रह जाता है वो क्यों रहता है वो भी आप सभी को इस वीडियो में आखिर में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ कितना आसान तरीका से देखो, हम लोग 8 पीस लेके गया सिलेंडर खाली और वो जो बंदा है उन्होंने कैसे उतार रहा है, यानी 5 लेके आया है फिर उन्होंने 5 उतारा और 5 को रखा। सेम सिस्टम बाकी तीनों का करेगा, आप लोग देखो। अच्छा अच्छा मालूम इसमें गैस किसी में था। हाँ वो चलता नहीं है। इतना आसान गिनती में ताकि गलती ना हो। क्यों यहाँ लिखा उखा कुछ ज़रूरत नहीं है भाई, पैसा डालो और तमाशा देखो। वो जो बात है ये बिल्कुल है। और यहाँ प्राइस कितना है, 17 रियाल 25 हलाला। यहाँ सऊदी अरब का 17 रियाल 25 हलाला यानी इंडिया का लगभग आपको 310-320 रुपया का पड़ेगा, यानी कम ज़्यादा होता है करेंसी। और इंडिया में लगभग 1000। इंडिया से? इंडिया कहाँ? इलाहाबाद। कहीं तो 1000 से भी ज़्यादा है कहीं कहीं पे। तो 1000 रुपया और 300 सऊदी अरब जैसे देशों में, यहाँ तो 1000 की तुलना, यहाँ तो 3000 होना था। हमको लाइक करो, बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ हम लोग ऐसे वीडियो दिखाएगा आप सबको। अब क्या लेगा बकाला में? हाँ दोस्तों अब हम लोग अपना रूम की तरफ जा रहा हूँ। और उस्ताद का गाड़ी चलाना देखो भाई, बहुत बढ़िया पुराना ड्राइवर है तो बहुत अच्छा से बहुत सालों से सऊदी अरब में है। ये खमीश मुशायद। और आप सभी को बताऊँ यहाँ तो 320 रुपये यानी यहाँ 17 रियाल 25 हलाला। आप लोग गूगल में देख लो इंडिया का कितना पैसा होगा, या 350 रुपये ही मान लो। 350 रुपये की जगह हम लोग 1000 दे रहा हूँ। यहाँ सऊदी अरब जैसे देशों में पैसा के लिए कुछ नहीं। और गैस जो जमा रहते हैं ना ठंडे दिन, पूरा क्लियर ख़त्म नहीं होता है, नीचे रह जाता है, उसी के लिए पानी में आप लोग गर्म कीजिएगा सिलेंडर को, गर्म पानी में गर्म कीजिएगा, देखिएगा और 2-2.5 किलो निकल जाएगा अच्छा से। इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।